रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया सर। रिकॉर्डिंग मैसेज सबको मिला ना? हाँ सर। यस सर। विश्वजीत का आज क्या प्रॉब्लम है? पंकज, गुड मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग सर। विश्वजीत ক্লাস জয়েন করছেন আরে ওঝা ওঝা কি খবর স্যার? একটু কাজে ব্যস্ত আছে। দুর্গা পুজো। হ্যাঁ বুঝেছি। বলতে বলতেই চলে এসছে। গুড মর্নিং ওঝা, বিশ্বজিৎ ওঝা, গুড মর্নিং। দু বিশ্বজিৎ এসলিয়ে টাইটেল সে বলে পড়ান। গুড মর্নিং স্যার, এখনই তোরই নাম নিচ্ছিলাম। ক্লাস জয়েন করছিস না ঠিকঠাক? একটু প্রবলেম তো হচ্ছে, পড়া বলো স্যার। ঠিক আছে, দুর্গাপূজার সময় বুঝেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা কম্পোজিট ট্রেন্ড। আচ্ছা চলো মানে স্ক্রিন শেয়ার করতা হুম, আর इंटरेस्ट का भी कुछ कैलकुलेशन मैंने दिया था ना, उसको भी सॉल्व करेंगे आज। कॉम्पोजिट रेंट, कॉम्पोजिट रेंट। स्क्रीन शेयर है, एक बार देख के बताओ तो। यस सर। बेसिकली कॉम्पोजिट रेंट था क्या, होता क्या है कॉम्पोजिट रेंट? कॉम्पोजिट रेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है सर, जिसमें आपको घर के साथ साथ कुछ और भी फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज भी दिया जाता है, हाँ, और जो प्रॉपर्टी के रेंट के अंदर काउंट भी हो जाता है। कॉम्पोजिट रेंट क्या है सर? कॉम्पोजिट रेंट, द ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी में समटाइम्स रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी। ठीक है, आपको साथ में मिला के रेंट में दिया गया, मतलब अलग नहीं किया गया उसको। एक्चुअली इसमें एक केस बना था, सुप्रीम कोर्ट में एक रूलिंग केस हुआ था, लैंडमार्क जजमेंट था, रायला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीआईटी का मतलब क्या होता है? ये सब केस पढ़ने का आदत करना चाहिए सर। ठीक है, टैक्स लॉज, कंपनी लॉज, जो भी लॉ पढ़ते हो, टैक्स भी तो लॉ है, इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ, हाँ सर, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, लॉ ही लॉ है, नियम, हाँ सर, नियम जानो। तो ये इनकम टैक्स का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये रूलिंग आया था, रायला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2016 386, इनकम टैक्स 500 का रिपोर्ट था। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हुआ था, इसमें ये कॉम्पोजिट रेंट सामने आया था फॉर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट, आपको बिल्डिंग के साथ साथ लिफ्ट मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, पावर बैकअप मिलता है। The amount so received is known as composite rent. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बोला है सर tax treatment of composite rent के बारे में, अब एक बार read कर लो provisions. ठीक है, provisions read करना चाहिए, क्यों? Because बिना provisions का questions solve कैसे होगा? Actually जो कुछ भी tax में होता है सब as per provisions होता है। बोल बोल के थक जाता हूँ और आपको भी थका देता हूँ, कान पका देता हूँ, बट फिर भी बोलना बंद नहीं होता है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट, कोई कोई सोचता है कि सिर्फ टैक्स में कैलकुलेशन करने से हो जाएगा, ये गलती ना करे सर। टैक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कैलकुलेशन, टैक्स इज अबाउट प्रोविजन एंड इट्स यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर आप प्रोविजन नहीं समझोगे और सिर्फ सोचते हो कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके टैक्स में तीर मार लूंगा, ठीक है, तो आप गलत फहमी में रहेंगे। कभी कभी एक दो क्वेश्चंस मिल मैच कर जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करके अपने आप को स्टूडेंट्स में देखता हूँ, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ लेता है। मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ सर, एक मेंटेलिटी को बात कर रहा हूँ। कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और सोचने लगा भाई मेरे को सब आता है, बट ये आने जाने का बात नहीं है कि तुमको कितना आता है, किसको कितना कम आता है, ज्यादा आता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आपको प्रोविजन क्लियर है कि नहीं। अगर प्रोविजन क्लियर है तभी आप क्वेश्चंस टच कर पाओगे। डिफरेंट क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा ना, अगर प्रोविजंस क्लैरिटी है, सेक्शंस वाइज प्रोविजंस को पता है, तो आप क्वेश्चंस में क्या करना है समझ जाओगे। बट अगर आपका प्रोविजंस ही क्लियर नहीं और आपने सिर्फ
वही बीकॉम टाइप का एटीट्यूड या होता है ना, बीकॉम में कोई प्रोविजंस पढ़ता ही नहीं है ना, बीकॉम एमकॉम लेवल में एकेडमिक लेवल में लोगों को ना सिर्फ पास करने का पड़ा रहता है, तो क्या करते हैं लास्ट 5-6 साल का क्वेश्चंस देख के चले जाते हैं, और एग्जाम में कुछ कॉमन आ जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम आ जाता है सर 5-7 साल का क्वेश्चंस करके कॉलेज लेवल का एग्जाम हो जाता है, और किसी को आदत ही नहीं होता है कि वो टैक्स प्रोविजंस को पढ़े, मतलब हल्का फुल्का अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो पढ़ता है, वो भी नहीं पढ़ता है कभी कभी, उनको लगता है सब हो जाएगा और एक दिमाग में बिठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो प्रोफेशनल में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। प्रोफेशनल्स में क्या प्रॉब्लम है, अमेंडमेंट आ जाता है, तो एक्चुअली मैं आपको अलग से अमेंडमेंट नहीं बोलता, जब भी पढ़ाता हूँ तो जो भी अपडेट है उसके साथ ही बोल देता हूँ, अगर कभी कुछ मिसिंग हो जाता है तो मैं लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है फिर कुछ अमेंडमेंट रहता है तो मैं उस टाइम पे डिस्कस कर देता हूँ कि सर ये सब चीजें याद रखिएगा कि इसमें अमेंडमेंट आया है, आपका एग्जाम में एप्लीकेबल है ये नहीं, ठीक है, तो ये पॉइंट होता है सर। तो आपको हमेशा प्रोविजंस के हिसाब से ही टैक्स में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, जैसे लॉ में भी बोलता हूँ, बट टैक्स में थोड़ा सा सावधानी इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है, ये प्रोविजंस के साथ प्रैक्टिकलिटी है, सो ओवर स्मार्ट नहीं होना है, जितना जरूरी है उतना स्मार्ट है, ठीक है, ज्यादा स्मार्टनेस क्या होता है ना, दिक्कत में पड़ देता है सर लोग, ठीक है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, जितना जरूरी उतना। जैसे मैं घर आया तो एक्चुअली घर पे बहन का जो बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए बोल रहे, 1.5 साल का है, बोले इसको ये सिखाओ उसको वो सिखाओ, हाँ अब एक एक 1.5 साल के बच्चा को क्या ये सिखाओ वो सिखाओ, फिर मेरे दिमाग में एक ऑटोमेटिक आया, भाई जिस एज में जो सीखना है ना इंसान सीख जाता है, ज्यादा पहले से सीख के कोई फायदा नहीं, ठीक है, ज्यादा चीज हमेशा हानिकारक होता है। तो जो भी हो, तो टैक्स स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट, तो इसमें क्या होता है, वेर कॉम्पोजिट रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज लाइक सिक्योरिटी एटसेट्रा, कॉम्पोजिट रेंट इज हैज टू बी स्प्लिट अप इन द फॉलोइंग मैनर, द सम एट्रिब्यूटेबल टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी इज टू बी असेस्ड अंडर सेक्शन 22 और एज इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, सेक्शन 22 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इसके बारे में कहा गया है, द सम एट्रिब्यूटेबल टू यूज ऑफ सर्विस इज टू बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। अच्छा, इसमें जो सर्विस होता है वो एक्चुअली पीजीबीपी का है और अंडर दी हेड अदर सोर्स एज द केस में, द सम एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ सर्विस इज टू बी चार्ज, मतलब एक्चुअली आपका अगर प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ सर्विस भी एक साथ इंक्लूड करके दिया जा रहा है, या तो वो सर्विस बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट में आना चाहिए था जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, या फिर वो आपका अदर सोर्स का पार्ट बनना चाहिए था, ठीक है, तो लेकिन इसको हम लोग अदर कैसे करें, बाइफरकेट कैसे करें, वो थोड़ा सा आपको मुझे बताना है। मैनर ऑफ स्प्लिटिंग अगर आप पढ़े तो आपको थोड़ा स्प्लिट का आइडिया लगेगा, इसमें मैनर ऑफ स्प्लिटिंग कैसे होता है, अब क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी और क्लैरिटी आ जाएगा। इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर इनसेपरेबल, ध्यान से सुनना सर बात को, प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेट आउट मतलब आप प्रॉपर्टी को भाड़े पे रखे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी में आप किसी को भाड़े पे देंगे, अरे बाबा स्टार्टिंग लेक्चर याद करो थोड़ा, हम लोग घर बनाते ना, ऐसे घर बनाते हैं, तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा झूठा ही सही, ठीक है, जैसे झूठा घर बनाया कितना है ना, घर बना के रेंट पे लगा दिया, बड़ा मजा आया है ना, कितना अच्छा है ना, कोलकाता में या फिर कोई भी वीक वीक सिटीज में क्या करते हैं लोग, घर बनाते हैं रेंट दे देते हैं, आजकल टाउन्स में भी चालू हो चुका है, मतलब तो हम लोग के स्मॉल टाउन्स में भी नेटिव में देख रहा हूँ आजकल यहाँ पर भी रेंट का बड़ा डिमांड है, लोग घर बना रहे हैं और रेंट पे दे रहे हैं, अरे वाह, जब हम लोग छोटे थे रेंट क्या चीजें समझते ही नहीं थे गांव साइड में या स्मॉल टाउन्स में, आजकल यहाँ पर भी रेंट का डिमांड, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती आबादी, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट सब कुछ मैटर कर रहा है, अच्छा बात है, लेकिन मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर के साथ साथ बाकी सर्विस वगैरह भी एक साथ इंक्लूड करके दे रहे हो, अगर वो इनसेपरेबल है, वेयर कॉम्पोजिट रेंट इज रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, लाइक आप फर्नीचर भी साथ में दे रहे हो, बिल्डिंग के साथ साथ फर्नीचर भी लेट आउट में दे रहे हो, लेकिन फर्नीचर को आप उनसे सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विदाउट अदर एसेट्स, देन द रेंट इज टैक्सेबल आइदर एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज द केस में, दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ सम रिसीवेबल फॉर द टू लेटिंग इज फिक्स्ड सेपरेटली, ठीक है, मतलब फर्नीचर का लेटिंग और बिल्डिंग का लेटिंग दोनों अगर अलग भी है तो उसे सेपरेटली चार्ज किया जाएगा, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल, और अगर इसको सेपरेट किया जाए तो वेयर कॉम्पोजिट रेंट इज रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स एंड द टू लेटिंग्स आर सेपरेबल, लेटिंग आउट ऑफ द वन इज एक्सेप्टेबल टू द अदर पार्टी विदाउट लेटिंग आउट द अदर, देन इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स
एंड इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अदर एसेट इज टैक्सेबल अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज द केस में भी। ठीक है, मतलब अदर सोर्स और बिजनेस प्रोफेशंस में क्या खेल है, अब आपके मन में चल रहे सर एज द केस में भी क्यों अचानक से आ गए, मतलब बिजनेस प्रोफेशंस में होगा तो बिजनेस में आएगा तो अदर सोर्स क्यों? सर क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मानो आपको फर्नीचर्स वगैरह रेंट पे प्रोवाइड कर रहा है, आपको वाटर सर्विसेज दे रहा है, जो आपके प्लांट मशीनरीज दे रहा है, लाइक जनरेटर फैसिलिटीज दे रहा है, बट जनरेटर फैसिलिटीज का जो काम करते हैं, जो सर्विस देता है जनरेटर वगैरह सप्लाई करने का, अगर वो बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाता है, वो एक्चुअली ऑकेशनली करता है, तो जब ऑकेशनली इनकम होता है ना तो उसको बिजनेस में नहीं दिखाते बहुत लोग, तो अगर वो बिजनेस में नहीं शो करता तो फिर उनको अदर सोर्स में दिखा, इसीलिए एज द केस में भी वर्ड्स लिखा है। ठीक है, अगर वो पीजीपीपी में शो नहीं करता है, सपोज जनरेटर भाड़े पे लगाता है, आपको लिफ्ट मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको कभी कभी रेंट सर्विस में देता है, ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल होता है, तो अगर वो उसको बिजनेस के हिसाब से नहीं शो करता है तो फिर उसको अदर सोर्स के हिसाब से शो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे आगे और डिस्कस करता हूँ आपको। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ द कंपोजिट रेंट इज रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज टेनेंट फॉर द टू लेटिंग्स। टू लेटिंग्स मतलब फर्नीचर सर्विस प्लांट मशीनरी का लेटिंग और बिल्डिंग का लेटिंग। तो दोनों अगर सेपरेबल है तो क्या करना है, और दोनों अगर इनसेपरेबल है तो क्या करना है। ठीक है, तो चलो सर एक काम करते हैं, मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिया था, जो लिखा था एक्चुअली, ठीक है, क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिटर्न करके लिखा था ना, एक्स ओन से हाउस प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर, क्वेश्चन विजिबल है ना, ये वाला देखो मैंने आप लोगों को ड्रॉ लिख के रखा था, एक्स ओन से हाउस प्रॉपर्टी एट ए कलिकट, वो कलिकट में, अरे वाह कलिकट के बारे में बोला था, साउथ इंडिया में वास्को दा गामा फर्स्ट टाइम रीच किया था 1498 में। ठीक है, और कलिकट मतलब हमारा जो वेस्टर्न इंडिया का, वेस्टर्न नहीं, साधन साधन पार्ट, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, साधन पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत बिजनेस किया था उनके साथ, और फिर पहले बिजनेस किया और फिर बाद में कॉलोनी बना लिया, ये अच्छा है, फॉरेन यूरोपियंस का पहले बिजनेस करेगा और फिर कॉलोनी बना ले, जो भी हो छोड़ो। एक सोन से हाउस प्रॉपर्टी एट कालीकट विच इज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज फॉलोज, रेंट ऑफ हाउस एंड अमाउंट चार्ज फॉर डिफरेंट एमिनिटीज 96,000 इंक्लूड चार्ज फॉर द फॉलोइंग एमिनिटीज। ठीक है, क्या क्या एमिनिटीज मिला था चलो देख लेते एक बार। सर वाटर चार्जेस 8,000 का, इलेक्ट्रिसिटी 24,200 का, लिफ्ट का 12,000 का, सिक्योरिटी 11,000 का, रेंट ऑफ द वन मंथ कुड नॉट बी कलेक्टेड 8,000 का, मतलब अनरियलाइज्ड है क्या। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई टेनेंट इज 3,000 का, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट गिवेन है, हिसाब हो जाएगा, मतलब स्टेप वन स्टेप टू कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31st अक्टूबर 2008 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31st अक्टूबर 2008, इसमें एक फुल स्टॉप हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसा गलत रीडिंग करोगे। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2010-11 एक्स हैड क्लेम्ड डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज, मतलब पुराना जो आपका अनरियलाइज था वो अभी मिला है, कब मिला 2010-11 में। तो एक सेट क्लेम डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज ऑफ रुपीज 15,000 आउट ऑफ विच 11,000 वॉज अलाउड एज डिडक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर दैट ईयर ऑन ऑगस्ट इन 2021। एक्स हाउएवर रिकवर 7,000 फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट, एक्सपेंडिचर ऑन रिकवरी ऑफ रेंट For providing different amenities, the following expenditures are incurred. अब different amenities के लिए भी कुछ और भी decision दिया गया था। Lift maintenance का 4,600, salary of lift man 6,000, depreciation of lift 2,800, salary of guard 18,000. Assume that income of X from business is 4 lakh. Find out the net income and tax liability of X for the assessment year 22-23, relevant previous year 21-22. Annual contributions towards public provident fund is 55,000. मतलब ये actually 80C से 80U में deductions में काम आएगा। बस question आपके लिए इतना ही था। अगर किसी ने try किया है तो वो अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे साथ साथ चलो, ठीक है, क्योंकि अगर आपका आंसर सही है तो भी आप मैच कर लीजिएगा, अगर आपका आंसर गलत है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये सॉल्व कराना ही है। यस सर, लिखना स्टार्ट करो और हेडिंग ये कर दो, बिल्डिंग इज
let out along with services. बिल्डिंग इज लेट आउट अलॉन्ग विथ सर्विसेस. अब इसमें देखना ये सर, अच्छा क्या रेंट सेपरेट हो सकता है? यस, हम लोगों के पास डिटेल्स गिवन है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ना. दो कॉन्सेप्ट है अभी आपको बोला मैंने, रेंट इज सेपरेबल और रेंट इज इनसेपरेबल. अगर रेंट को सेपरेट किया जा सकता है तो चलो सेपरेट करते हैं ना. क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से चलते हैं, ट्राई करते हैं. जैसे रेंट फॉर बिल्डिंग कितना करके रेंट है सर, क्या मुझे बोल पाओगे आप लोग? क्या कोई मुझे बता सकता है? 96,000. सर उसके अंदर तो बाकी चीज भी है, 8,000 का बता रहे हो ना सर आप लोग? आप लोग एक्चुअली 8,000 के हिसाब से बता रहे हो. अब 8,000 के अंदर बाकी चीज भी तो है, लाइक आपका वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लिफ्ट चार्जेस, उसका क्या? हम लोग तो सेपरेबल करना चाहते हैं ना. तो अगर सेपरेबल करना चाहते हैं तो मंथली रेंट कितना हो जाएगा सर्विस को छोड़ के? 40,800. कैसे निकाल लिया बोलो? वेरी गुड सर. 96,000 में से माइनस कर दिए. 96,000 से माइनस कर दिए हैं 8,000, 24,200, 12,000 और 11,000. चलो हम भी माइनस करते हैं. हम लोग भी माइनस करते हैं. चलो तो रेंट फॉर बिल्डिंग मिल जाएगा फिर, और चार्जेस फॉर सर्विस. वेरी गुड सर, ऐसे दिमाग लगाना चाहिए. चार्जेस फॉर सर्विस. तो अगर रेंट फॉर बिल्डिंग में मैं साइड से एक बार देखूं कि 96,000 का टोटल था है ना सर, तो 96,000 से अगर मैं 8,000 को हटा दूं, 8,000 हटाएंगे ना, 8,000 जाएगा और क्या क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक 24,200 क्या है? इलेक्ट्रिक. और क्या है सर? लिफ्ट चार्ज 12,000. सिक्योरिटी 11,000. सिक्योरिटी 11,000. तो 96 से सारा हट जाए क्या बचता है? कितना हुआ? 40,800. यस सर, 40,000. 12, 8, 20, 20, 20 और इधर 11, 12, 8, 20. हाँ 40,800 सबका आया रे. क्या ये सबका 40,800 हुआ है? हाँ सर. ओके सर, तो 40,800 मेरा बाकी फैसिलिटीज को हटा के मेरा बिल्डिंग का रेंट हो रहा है. तो क्या हम यहाँ से मंथली रेंट निकाल सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का? 40,000 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो मंथली रेंट कितना हो जाएगा? 3,400. क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी 3,400 गिवन था? नहीं था. बट हम लोग उल्टा चल के निकाल ली, हम लोग बैक कैलकुलेशंस करके इसका हिसाब निकाल ली कि भाई 3,400 पर मंथ का मेरा भाड़ा है. तो बिल्डिंग का भाड़ा हो गया 3,400 × 12 करके 40,800 है ना. ये हमारा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का, ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट फॉर बिल्डिंग है ना. चलो सर ये एक अच्छा हुआ. अब हमें चाहिए चार्जेस फॉर सर्विस. तो फिर अगर ये 4,800 है तो फिर बाकी कितना बचा है? जो अमाउंट हमारा रह गया 96,000 से 55,200. तो 50,200 इज माई क्या चार्जेस फॉर सर्विसेज है ना. 55,200 मेरा चार्जेस फॉर सर्विसेज. अच्छा क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी चार्जेस फॉर सर्विस को बिजनेस के अंदर कुछ बताया कि ये क्या करना चाहिए? देखो सर मैं आपको अभी एक कुछ देर पहले एक पॉइंट बता रहा था कि आपका अगर
कॉम्पोजिट रेंट आ रहा है, और अगर आप कॉम्पोजिट रेंट को स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, मतलब सेपरेट कर सकते हो, क्या क्या बोलता है सर, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर इनसेपरेबल, ध्यान से सुनना, वेयर द कॉम्पोजिट रेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर्स, ठीक है, देन टू लेटिंग्स, मतलब सर एक तो आपने एसेट्स भी रेंट पे दिया जो सर्विस रेंट है, नॉट सेपरेबल है, दैट इज अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विदाउट अदर एसेट्स, मतलब वो अदर एसेट्स को साथ में लेके ही रेंट लेना चाहता है, देन रेंट इज टैक्सेबल आइदर एज बिजनेस इनकम और एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज द केस में भी, मतलब इट्स लाइक अगर मैं इसको एक इमेज दिखाने से आपको समझना चाहिए, इसको क्या बोलने से अच्छा रहेगा, फर्निश्ड फ्लैट रेंट इन कोलकाता, देखते हैं कुछ इमेज आता है कि नहीं, ऐसे housing.com मैजिक ब्रिक्स में मिल जाता है 99 एकर्स में, हाँ सर इट्स लाइक ये देखो सर, ये एक प्रॉपर्टी रेंट पे है, आई डोंट नो क्या रेंट दिया है इसका, लेकिन सर देखो फर्नीचर साथ में दिया हुआ है ना, देखो फर्नीचर इंक्लूड है, ओरिजिनल इमेज दिखाया आपको, ठीक है, आप लोग ऐसे देख सकते हो, ये देखो फर्निश्ड है, ठीक है, फर्निश्ड रेंट ही कोई लेना चाहता है, ठीक है, तो ये जो फर्नीचर्स वगैरह आप रेंट पे इंक्लूड करके दे रहे हो, ये तो हाउस के अंदर नहीं आता, ये अगर सेपरेट है तो उसको बिजनेस पे काउंट करना पड़ता है, ठीक है, फर्नीचर्स वगैरह को, प्लांट मशीनरीज को, ठीक है, लेकिन अगर वो सेपरेट हो सकता है तो आप अलग अलग दिखाओ, बट अगर सेपरेट नहीं हो सकता बिल्डिंग के साथ तो फिर आप उसको बिजनेस इनकम पे शो करो, लेकिन हमारे केस में हम सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग करेंटली जो हिसाब लगा रहे हैं सर उसमें सेपरेट हो सकता है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हाउस प्रॉपर्टी का है उसको हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करेंगे और जो अदर सोर्स का है उसको अदर सोर्स में दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बिजनेस इनकम ऑलरेडी एक दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस इनकम गिवन है, तो हम लोग ये जो फर्नीचर्स वगैरह जो इंक्लूडेड है ना इसको अदर सोर्स मान के चलेंगे, ठीक है, एज द केस में, आई होप आपको समझ में आया सर, इमेज देख के समझ में आ गया होगा कि सर क्या खेल बताना चाह रहे थे इतना देर से, हाँ ऐसा आपको बहुत सारा मिलेगा, अब अगर इमेज में जाओगे तो भी आपको ऐसा बिल्डिंग दिख जाएगा फर्निश्ड, ठीक है, फर्नीचर के साथ आपको रेंट, जैसे ये वाला फर्नीचर के साथ ही हमको रेंट पे लेना है, अगर आप फर्नीचर को हटा दोगे तो मैं इसको रेंट नहीं लूंगा, लेकिन अगर ये सेपरेट किया जा सकता है इट्स ओके, ठीक है, ये सेपरेट किया जा सकता है कि भाई बाकी सर्विसेज का क्या वैल्यूएशन है, तो उसको सेपरेट करके हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स में अलग अलग चार्ज करो, बट अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते तो उसको बिजनेस इनकम या अदर सोर्स इनकम मान के चलो, अगर बिजनेस इनकम होगा तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट बीपी में हिसाब लगाएंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशंस का चैप्टर आने वाला है, ठीक है, पांच हेड्स है ना सर, ठीक है, पांच हेड में बिजनेस प्रोफेशंस में आ जाएंगे, और जब हाउस प्रॉपर्टी में करना है तो हाउस एज पर हाउस प्रॉपर्टी, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं दोनों में दिखाएंगे सर, ठीक है, तो सर्विस में चला गया 55,200, तो ये 55,200 को हम लोग अभी आईएफओ स्टेट करके चलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का और कोई डेटा नहीं है, तो जस्ट इसका अदर सोर्स इनकम मान के चलने से ही होगा, लेकिन अभी क्या करना है सर, अभी हम लोग इसको एज पर हाउस प्रॉपर्टी क्या करना है, हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर इज 21-22, जो भी क्वेश्चंस में गिवन रहेगा उसी को यूज करना, तो अगर आपको असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी वैल्यू निकालना है तो प्रॉपर्टी वैल्यू निकालो, कैसे निकाले हुए प्रॉपर्टी वैल्यू बोलो सर, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, सबके पास तो लिखा हुआ है 36,000, am I right सर, पेयर रेंट 38,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 39,000, क्या मैंने सही बोला, अरे थोड़ा बताओ, यस आई एम सही सर, तो आप यहाँ से आरईआर या स्टेप वन निकाल लो, जल्दी हो जाएगा सर, ये वाला प्रोसेस यूज करना, बहुत लोग सर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस यूज करते हो, बट एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, शॉर्टकट यूज करो सर, हाँ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में क्या करना है सर, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में टेक द हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट टेक द लोअर, तो स्टेप वन क्या होगा सर,
MBFR SR में MBFR टेक द हायर हाउस प्रॉपर्टी का फर्स्ट टू लेक्चर्स में ही आपको इसका कैलकुलेशन का हिसाब मिल जाएगा, किस तरह से आप शॉर्टकट में RER एक्चुअल रेंट एंड GAV तक पहुंच सकते हो। तो हमें एक्चुअली अभी GAV तक जाना है। तो MBFR में हाईएस्ट कौन है? 38 और 39 में लोएस्ट कौन है, मतलब इनमें से जो हाईएस्ट है उसको लेना है, और इसके साथ इसको कंपेयर करके जो लोएस्ट है उसको लेना है। तो 38 39 में लोएस्ट क्या है? 38। तो आपका स्टेप वन क्या हो जाएगा? 38। ठीक है, आपका स्टेप वन या RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा? 38,000। ठीक है सर, ओके। तो MB हो गया, SR हो गया। अच्छा, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक बार दे देते हैं सर। एनुअल रेंट कितना होगा, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन को पुट कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पेज में मैं आपको RER कैलकुलेट करके शो करता हूँ। एनुअल रेंट कितना, एनुअल रेंट कितना, कौन बताएगा मुझे एनुअल रेंट कितना होगा? 40,800। थैंक यू सर, 40,800, क्योंकि 3,400 करके घर का मंथली भाड़ा निकला। ये हम लोग बैक कैलकुलेशंस करके निकाल चुके हैं सर, क्वेश्चंस में गिवन नहीं था, बट जैसे हम लोगों ने उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके मिल गया मुझे, है ना। तो 3,400 × 12 करके 4,800 इज माई एनुअल रेंट, और अनरियलाइज्ड इज ऑल्सो देयर। तो अनरियलाइज्ड कितना है, अनरियलाइज्ड कितना है, क्वेश्चंस क्या बताते हैं? यस सर, कहाँ चला गया? अनरियलाइज्ड का इंफॉर्मेशन, यस 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 यस, वेर इज अनरियलाइज्ड? सिक्योरिटी के नीचे, सिक्योरिटी रेंट फॉर वन मंथ कुड नॉट बी कलेक्टेड 8,000। तो क्या हम लोग अनरियलाइज्ड 8,000 मानेंगे? 3,400। थैंक यू सर, ठीक है। घर का रेंट तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं सर, 8,000 तो बाकी सर्विसेज को मिला के है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 3,400 को अनरियलाइज्ड मानेंगे, बिकॉज वही मेरा एक महीने का घर का भाड़ा है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट उतना ही है, बाकी जो है वो सर्विस इंक्लूड करके था। तो हम लोग यहाँ पर अनरियलाइज्ड के लिए सिर्फ 3,400 को लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा सर, बाद में कुछ पैसा रिकवर भी हुआ है ना मार्केट से? क्वेश्चन चेक करो तो एक बार। यस सर, रिकवर कब हुआ और कितना हुआ? करंट फाइनेंशियल ईयर में 7,000 रिकवर हुआ, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवर 7,000 फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट, ठीक है। 7,000 का रिकवर हुआ, तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड कितना होगा वो भी क्वेश्चंस में गिवन कर लिख लो एक बार। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट कितना? 7,000 ही करेंगे ना हम, 7,000 ही करेंगे सर, इसको अलग करने का जरूरत नहीं है, ये 7,000 में ही काम बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये पुराना था, बाद में रिकवर हुआ है, ओल्ड भाड़ा था, अभी रिकवर हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है सर स्टेप वन, मतलब बेसिकली आप ऐसे बोलो कैलकुलेशन ऑफ GAV, कैलकुलेशन ऑफ GAV। स्टेप वन ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, 36, 38 टेक द हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, टेक द लोअर, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रेंट और इसका हायर में से जो लोअर होता है। तो आपका स्टेप वन हो जाएगा 38,000, एंड दिस 38,000 इज नोन एज RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंज, ठीक है। स्टेप टू आएगा, स्टेप टू आएगा एक्चुअल रेंट कितना है? नहीं आएगा सर, एक्चुअल रेंट कितना है बोलो? एक्चुअल हो जाएगा 37,400 सर। 40,800 मेरा एनुअल है, तो एनुअल से अनरियलाइज्ड को माइनस करेंगे ना 3,400, तो ये चला जाएगा, तो बचता है 37,400। सो 4,800 माइनस 3,400, 37,500 इज योर एक्चुअल, यही एक्चुअल रेंट आपका ARR, ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल होता। ध्यान से सुनना सर बात को, ये शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो।
एक्चुअल रेंट अगर स्टेप वन से ज्यादा है देन दिस एक्चुअल रेंट कम्स इनटू द पिक्चर. 37,400 अगर स्टेप वन से बड़ा होता तो ये एआरआर स्टेप टू में आता, बट क्योंकि ये छोटा है तो स्टेप टू नॉट एप्लीकेबल. थर्ड स्टेप का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि नहीं, ये एक सब्जेक्ट टू क्वेश्चन है. जब स्टेप टू नहीं आता, नहीं होगा, वैकेंसी नहीं है. जब स्टेप टू नहीं आता तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट कहता है कि स्टेप थ्री आना चाहिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है. क्या स्टेप टू इसलिए नहीं आया बिकॉज देर इज अ वैकेंसी? क्या हमारे क्वेश्चन में वैकेंसी था? सर क्वेश्चन में वैकेंसी नहीं था, सिर्फ अनरियलाइज था. तो ओनली अनरियलाइज के कारण स्टेप थ्री इफेक्ट नहीं करता. वैकेंसी अनरियलाइज दोनों मिला के इफेक्ट कर सकता है, या ओनली वैकेंसी रहने से भी स्टेप थ्री आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी नहीं था सर. ठीक है, इसके बारे में मैंने इस टॉपिक में भी मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस करा के रखा सर प्रीवियस लेक्चर्स में. ठीक है, तो स्टेप थ्री भी नहीं आएगा. तो स्टेप थ्री का कोई जगह ही नहीं है एक्चुअली, लिखना ही जरूरत नहीं है. यू एक्चुअली डोंट नीड टू राइट स्टेप थ्री हियर बिकॉज स्टेप थ्री तभी आता है जब वैकेंसी होता है. अगर वैकेंसी के कारण कभी ऐसा होता है कि स्टेप टू कम हो गया, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अनरियलाइज को माइनस किया ना, ऐसा हम लोग वैकेंसी को भी माइनस कर सकते हैं. जैसे हम लोगों ने अनरियलाइज को माइनस किया, इसी तरह से हम लोग वैकेंसी को भी माइनस करते हैं. और जैसे माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल कम हो जाएगा. तो एक्चुअल कम होने से स्टेप टू नहीं आता है. लेकिन यहाँ पर अगर अनरियलाइज की जगह वैकेंसी होता ना, तो ये एक्चुअल रेंट तो नहीं आता बट स्टेप थ्री आ जाता. मतलब ये स्टेप टू नहीं होता बट स्टेप थ्री जरूर आता. बट यहाँ पर वैकेंसी नहीं था सर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनरियलाइज. तो दैट्स वाई स्टेप टू भी नॉट एप्लीकेबल होगा और यही आपका जीएबी हो जाएगा. सर जिसको जीएबी कैलकुलेशन में डाउट है वो प्लीज हाउस प्रॉपर्टी का अगेन रिवाइज करें. मोस्ट प्रॉब्ली क्लास 1, 2, 3 फर्स्ट 3 लेक्चर्स में ही आपको जीएबी का डिटेल्स मिल जाएगा. मोस्ट प्रॉब्ली आप प्लीज एक बार 1, 2, 3 वाला जगह देखे. मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड लेक्चर्स, सेकेंड या थर्ड रिसेंट में. ठीक है, आप वो वाला लेक्चर देखें, वहां पर आपको जीएबी कैसे कैलकुलेट होता है और स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री का क्या कॉन्सेप्ट है मैंने डिटेल्स में बता के रखा सर. और वो शॉर्टकट तरीका है. आपको किसी किसी किताब में, चाहे वो सीए का किताब हो या सीएमए का किताब हो या बीकॉम टाइप का किताब हो, वहाँ पर आपको जो स्टेप्स नजर आता है ना, वो थोड़ा लेंदी आता है. इवन स्कूल की किताब में भी 11, 12 में बंगाल बोर्ड का रहता है, वो थोड़ा लेंदी स्टेप्स है सर. ठीक है, तो उस पर थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है. हाँ, मैं मानता हूँ किसी किसी का थोड़ा आदत हो जाता है, मैं देखा हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स को. मुझे आपत्ति नहीं है इसमें कि अगर आप स्कूल वाला किताब या फिर कोई भी किताब को फॉलो करके स्टेप को फॉलो करते हो, मुझे उसमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो है नहीं. बट सर एग्जाम टाइम में आपको ना थोड़ा जल्दी करना चाहिए. ठीक है, तो जब जल्दबाजी आता है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जिस तरह से मैंने सिखाया आपको हेल्प करेगा. ठीक है, क्योंकि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस ही है आप लोगों के लिए. तो दैट्स वाई इट्स माई रिकमेंडेशन कि आप यही सिस्टम फॉलो करें. बट अगर कोई बोलेगा सर मैं पुराना ही फॉलो करना चाहता, तो मैं ना तो नहीं कर सकता, बट बाकी आप लोगों का पर्सनल चॉइस. जीएबी मेरा आ जाएगा कितना सर? 38,000. क्वेश्चन इज सर म्यूनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में कितना था? एम टैक्स कुछ था क्या क्वेश्चंस में? मैं जितना याद आ रहा है सर एम टैक्स नहीं था. म्यूनिसिपल टैक्स था रे? क्या क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स गिवन है? देखो ना, मुझे तो नहीं दिख रहा है. तो जो मेरा जीएबी है वही मेरा एनएबी हो जाएगा. नेट एनुअल वैल्यू 38 का. यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो. कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा सर? कनेक्टेड हो आप लोग? एट द रेट 30%. हाँ बोलो. 30% ऑफ एनएबी 24A के तहत. हाँ, कितना होता है 30,000 का 30%? 11,400 आ रहा है मेरा. एक बार प्लीज कैलकुलेट करके बताओ. अच्छा, और भी माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. कुछ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का केस है क्या क्वेश्चन में?
क्या इस बंदे का कुछ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है? चेक करो सर, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन गिवेन अबाउट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? सर मुझे तो फिलहाल नहीं दिखा, आप लोगों को दिखा क्या? नहीं है तो सर क्या करें, क्या करें? जब नहीं है तो नील जरूरी है कि हमेशा लोन रहेगा और उसका इंटरेस्ट रहेगा? जरूरी थोड़ी है। हाँ जरूरी नहीं है सर। तो 38,000 से स्टैंडर्ड डायरेक्शन में माइनस होने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 38,000 माइनस 11,400, इट बिकम 26,600, 26,600 ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। यस यहां तक हो गया सर। इनकम अंडर डेट हाउस प्रॉपर्टी निकाल लिया हम लोगों ने 26,600। बताओ सर क्या आप लोगों का हुआ मेरे साथ? इतना तक कर लिए कि नहीं? लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, ये कहानी यहीं तक खत्म नहीं होता है, इस कहानी में और भी कहानी है। जब कहानी में कहानी होता है तो वो थोड़ा क्रिटिकल भी होता है पर इंटरेस्टिंग भी होता है ना? कहानी के अंदर कहानी, जो दिखता है सिर्फ वही नहीं है, और भी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो आपने कुछ अनरियलाइज था जो आपको बाद में मिला है ना, फिर आप यहाँ देखो चेक करके, ये देखो हाउएवर रिकवर 7,000 फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट एमिनिटीज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड। ये भी था वो तो हम लोगों को ठीक है फिर भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो पुराना अनरियलाइज्ड, ये जो अनरियलाइज्ड एनडीए वाला देखो सर, ये 2010-11 का 2000, ये देखो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 2008। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10-11 एक साइड क्लेम्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज अनरियलाइज्ड ऑफ रुपीज 15,000 आउट ऑफ विच 11,000 वॉज अलाउड एज डिडक्शन फॉर वट फॉर दैट ईयर ठीक है। ऑन अगस्त 10, 2021 ही हाउएवर रिकवर 7,000। ये जो खेल है ठीक है, पुराना रेंट अगर आपको रिकवर होता है, अरे अकाउंटेंसी में हम लोग ऐसे करते थे ना कि बैड डेब्ट रिकवर हुआ है, तो बैड डेब्ट रिकवरी होने से पीएल को क्रेडिट मिल जाता है, गेन हो जाता है ना। अगर बैड डेब्ट पहले बैड डेब्ट के लिए आपने प्रोविजंस बनाया था, फिर बैड डेब्ट रिकवर हो गया बाद में ठीक है, तो बैड डेब्ट रिकवर होना गेन है, तो उसको पीएल में क्रेडिट करते हो। यहाँ अकाउंट नहीं करना है, बट ऐसा ही कुछ मानो कि आपका पुराना रेंट मिलना था बट अभी तब तब नहीं मिला था, अब मिल रहा है, तो उसका इनकम तो है और सरकार उसका टैक्स का हिसाब भी मांगेगा आपसे। तो उस टैक्स का हिसाब देने के लिए आपको क्या करना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर। आप ध्यान से देखो और इस कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे ये कितना लंबा समय के लिए था, 10-11 से लेके 22 तक का है, 10-11 से लेके 10-11 से लेके 2010-11 और इधर होगा आपका 2021-22। 2010-11 में अनरियलाइज्ड क्लेम था कितना? 15,000 का सर। 21-22 में रिकवर कितना हुआ है? अच्छा क्लेम तो 15,000 का था बट इससे रिकवर अलाउ कितना हुआ था? अनरियलाइज्ड आपका क्लेम था 15,000 बट आपको अलाउ कितना किया गया था? क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्लेम तो था 15,000 का बट आपको अलाउ किया गया था 11,000 का, तो एक्चुअली डिसअलाउ कर दिया था आपको 4,000 का। चलो अच्छा है, 21-22 में आपको रिकवरी हुआ, कितना रिकवरी हुआ अनरियलाइज्ड? अनरियलाइज्ड जो पुराना रेंट आपको मिला नहीं था वो अभी रिकवर हुआ है आपका 21-22 में, कितना बताओ ना सर, कोई तो बताए मुझे कितना रिकवर हुआ था। अरे क्वेश्चन पढ़ो ना। विश्वजीत, शिवम, रोशनी, शालिनी आवाज आ रहा है कि नहीं? था जो
7,000 बस इतना तो पूछ रहे हैं, इतना काहे सोचते हैं सर। वेरी गुड सर, रिकवरी हुआ हमारा 7,000। अब 7,000 जब रिकवरी हो गया, फिर यहां से मुझे डिसअलाउड अमाउंट कितना था? 7,000 मेरा रिकवरी हुआ और डिसअलाउ मेरा 4,000, ठीक है। 7,000 रिकवरी मेरा 7,000 हुआ है और डिसअलाउड अमाउंट मेरा 4,000 का है, जो मुझे यहीं से मिल गया था। अब इससे हमें हिसाब लगाना है इनकम अंडर दी एट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, कितना हुआ 21-22 का। 7,000 रिकवर हुआ है और डिसअलाउड अगर 4,000 है पुराने हिसाब से, ठीक है, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ा बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, रिकवरी 7,000 डिसअलाउ 4,000 है, तो आपका इनकम कितना हो जाएगा? डिसअलाउ होवे 1867। 1867 क्यों? किस परसेंटेज में या किस हिसाब से 1867 का सोच रहे हो? सर वही पुराना डेटा को ही हम लोग कर रहे हैं। अनरियलाइज्ड क्लेम था 15,000 का, अलाउ किया गया था 11,000। तो अगर 11,000 अलाउ किया गया, 15,000 যদি 11,000 টাকা হয় তাহলে 7,000 কত হয়ে যাবে? না না ওইভাবে না, ব্যাপারটা এরকম নয়, উসি 15,000 का हो रहा है सर। अरे इसी 15,000 का अनरियलाइज्ड क्लेम है, 15,000 का आपको क्लेम करने के लिए करेंटली अलाउ किया जा रहा है 11,000 का, तो गवर्नमेंट ने आपको डिसअलाउ कर दिया 4,000 का, ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअल में मिला 7,000 का। डोंट बी कंफ्यूज सर, क्वेश्चन वही है, उसी कॉन्सेप्ट में चल रहा है ना, ये कोई मैथ्स नहीं हो रहा है, बात को समझे, दिस इज नॉट मैथ्स। मतलब आप हम लोग जैसे मैथ्स में करते हैं ना फाइनेंस में, कि 15,000 के कितना तो इसका कितना होगा, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ था 31 अक्टूबर 2008 में, प्रीवियस ईयर 10-11 में एक्स का एक क्लेम था, ठीक है, क्लेम डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड ऑफ 15,000, कि भाई मेरा अनरियलाइज 15,000 का उसका डिडक्शन दे दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने 11,000 का बेसिकली दिया, अलाउ किया, तो 4,000 नहीं दिया, ठीक है। बाद में 2021-22 में वही जो अनरियलाइज था उसका 7,000 रिकवर हुआ, उसी अनरियलाइज का 7,000 रिकवर हुआ, तो 7,000 रिकवर हुआ तो 4,000 तो ऑलरेडी डिसअलाउड हो चुका था, तो इनकम कितना हो गया फिर? जब रिकवर हुआ तो इनकम कितना हो जाएगा? 4,000 तो मेरा 4,000 मेरा डिसअलाउड पहले से ही हो गया था। हाँ बोलो सर। 3,000 हो गए। हाँ 20 भी ना, 7,000 मेरा, 7,000 मेरा रिकवरी था, मतलब रिकवरी हुआ जो देखने में मेरा इनकम ही है ना, रिकवर हुआ तो मेरा इनकम ही तो है ना, तो रिकवर होने से 7,000 मेरा इनकम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट पहले से डिसअलाउड करके रखा था 4,000, ठीक है, तो 4,000 मेरा डिसअलाउड हो चुका था, एक्चुअली मेरा इनकम हो जाएगा 3, इनकम फ्रॉम HP। तो ये जो आपका 3,000 है ये एक्चुअली एज पर सेक्शन 25, हाँ सर 25A, मैं आपको 25A दिखा देता हूँ, एज पर 25A। अब क्या हाँ संपत कुछ बोल चीज नहीं सुबह जी किसी की बोल चीज नहीं तो ये आंसर तो बोलना 3,000 हो गया। हाँ 3,000, तो फिर 26,600 था, उसके साथ आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम करेंटली और 3,000 ऐड हो जाएगा, मतलब ये जो 26,600 है इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, दिस 26,600 के साथ ये 3,000 ऐड हो जाएगा सर। हाँ बोलो सर। स्क्रीन शेयरिंग का इशू हो गया फिर? स्क्रीन शेयरिंग का इशू हो गया फिर सर, शायद संपद का स्क्रीन शेयरिंग हो गया। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि संपद तेरा स्क्रीन शेयर हो चुका है, तो आंसर मतलब स्क्रीन को ये कर, संपद का नहीं ये सुभोजित का है आई थिंक, एसपी दिखा रहा है। हाँ शुभजीत का, शुभजीत, हाँ वेरी ठीक है सर।
আমার তো স্ক্রিন অফই আছে। না না ঠিক আছে, শুভজিৎ কা কুছ প্রবলেম হোক, ঠিক আছে আব ঠিক আছে না, নাও ইটস ওকে। নো স্যার আবি মেরা দিখা রহা হ্যায়, আবি আপকা দিখা রহা হ্যায়, মেরা দিখা রহা হ্যায়, সবকা দিখা রহা হ্যায়। मतलब क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? नहीं सर, ऐसे ही कोई सीओम भैया का हो गया था कॉस्ट ये अकाउंट के क्लास में। अच्छा अभी ठीक है, मतलब मैं स्टॉप कर रहा था। हां अब क्या है, अब शेयरिंग बंद हो गया, स्क्रीन शेयर नहीं है ना अभी? नहीं सर अभी। ठीक है सबको ठीक लग रहा है अभी? ज्योति ओके? यस सर। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 10-11 में 15,000 का क्लेम था, अलाउड किया था गवर्नमेंट ने 11,000 का, डिसअलाउड हो गया 4,000 का, उसी में से 7,000 अभी रिकवर हुआ है। डिसअलाउड अमाउंट 4,000 था, तो अल्टीमेटली इनकम 3,000 माना जाए क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी प्री डिक्लेयर्ड करके रखा है। 4,000 डिसअलाउड है, तो 7,000 में से 4,000 चला जाएगा, तो आपका इनकम अल्टीमेटली 3,000 बचेगा। ठीक है, और ये 3,000 आपका 21-22 में आपका इनकम के साथ ऐड हो जाएगा, तो 26,600 और 3,000 ऐड करके कितना आता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 26,600 इन प्रीवियस ईयर 21-22 29,600 है ना, सिंपल। पुराना अमाउंट रिकवर हुआ है, गवर्नमेंट ने अलाउड डिसअलाउड अपने हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दिया। ठीक है, आपके पास इनकम आया है 29,600। अगर किसी को कोई डाउट है अप टू 29,600 तक तो मुझे पूछ लो सर। अगर किसी को कोई भी डाउट है 29,600 तक का क्या इशू है, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो सर। ठीक है ना सर, मैं आगे बढ़ सकता हूँ फिर। ठीक है, अब सर यहाँ पर हमें इनकम को अलग अलग करना है। ठीक है, तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक आधा सोर्स इनकम था मेरा, तो मैं आधा सोर्स इनकम को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर मैं नेट इनकम कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में आधा सोर्स था तो आधा सोर्स को एक अलग से हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो बाकी डिटेल्स डिस्कशन सब आधा सोर्स चैप्टर में करूँगा, बट मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, चार्जेस फॉर सर्विस कितना था? सिंपल है सर, चार्जेस फॉर सर्विसेज कितना था? आप देखो आप ऑलरेडी लिख चुके हो 55,200 ना, तो आपका चार्जेस फॉर सर्विसेज है 55,200 का, और आपका अनरियलाइज रेंट कितना है, मतलब आपको कितना रेंट रियलाइज नहीं हुआ सर्विस के लिए? सर टोटल 8,000 था, 8,000 में से 3,400 आपको नहीं मिला था हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो बाकी कितना रह गया? एक महीने का रेंट बाकी था ना आपका, मतलब अनरियलाइज था ना आपका। अरे जरा याद करो सर, केस भूलना नहीं है, जब कोई क्वेश्चंस को रीड करोगे उसका सारा कॉन्सेप्ट को याद रखना है। रेंट ऑफ वन मंथ कुड नॉट बी कलेक्टेड 8,000, तो 8,000 में से आपका हाउस प्रॉपर्टी रेंट भी था और सर्विस रेंट भी था, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो 3,400 आपने स्प्लिट कर दिया, तो बचा गया 4,600। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। तो 55,200 मतलब 55,200 से जब मैं अनरियलाइज रेंट 4,600 को माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या अवेलेबल बैलेंस होता है? 50,600। अब आपके मन में चल रहा है सर ये तो मेरा इनकम हुआ, तो इसमें एक्सपेंस का भी तो कुछ हिसाब था ना क्वेश्चंस के अंदर, तो फिर ये क्यों गिवन था? सर आपको अपने इनकम से एक्सपेंस को हटाना चाहिए, है ना। देखो फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट एमिनिटीज, डिफरेंट फैसिलिटीज देने के लिए जो रेंट दे रहा है उसका अपना भी कुछ खर्चा होता है, जैसे फैसिलिटीज देने के चक्कर में वाटर बिल आता है 19,400 का, लिफ्ट मेंटेनेंस 4,600 का, सैलरी ऑफ लिफ्टमैन 6,000 का, लिफ्ट का डिप्रिसिएशन है 2,800 का, सैलरी ऑफ गार्ड है 18,000 का, तो ये सब खर्चा क्या करें, माइनस हो जाएगा ना।
इनकम से एक्सपेंस को माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे टैक्स इनकम पे दिया जाता है, एक्सपेंस पे थोड़ी दिया जाता है। जब हम लोग बिजनेस इनकम करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि एक्सपेंस को माइनस करना पड़ता है सर। हम लोग इनकम टैक्स करते हैं, एक्सपेंस टैक्स नहीं करते हैं। मतलब एक तो एक्सपेंस ऊपर से और टैक्स, नहीं सर वो मेरा इनकम नहीं है। तो मेरा नेट इनकम जो अदर सोर्स का है वो मेरा, ये मेरा इनकम हो गया, बट यहाँ से मुझे एक्सपेंस को लेस करना चाहिए। मतलब अदर सोर्स 50,600 मैंने इनकम तो कर लिया, बट बदले में मेरा एक्सपेंस हो रहा है 19,400 का एक खर्चा है। देखो मोस्ट प्रॉब्ली वाटर का बिल, लिफ्ट का खर्चा मेरा आ रहा है, मेरा लिफ्ट का खर्चा आ रहा है 4,600 का, 4,600 का। मेरा सैलरी का खर्चा आ रहा है 24,000 का। सही बोला क्या? क्या इंफॉर्मेशन सही है? 24,000 सैलरी ऑफ लिफ्ट मैन। सैलरी डिप्रिसिएशन 2,800, सैलरी ऑफ लिफ्ट मैन। कितना बोला था रे? सैलरी ऑफ लिफ्ट मैन 6,000। क्या ये कितना महीने का सैलरी होगा? ये पूरा साल का होगा। पूरा साल का होगा सैलरी। वाटर बिल 19,400, लिफ्ट मेंटेनेंस 4,600, सैलरी ऑफ लिफ्ट मैन 6,000, डिप्रिसिएशन 2,800। कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो रहा है क्या मेरे से? अस्यूम दैट इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम बिजनेस इज 4 लाख, फाइंड आउट द नेट इनकम and the tax liability of X for the assessment year 22-23, relevant previous year 21-22. Annual contribution towards public provident fund is 55,000. Salary of liftman 6,000. This information sahi hai? Salary of guard? Oh, achha, theek hai, theek hai. Theek hai, sir. Aap 24,000 aaram se de sakte ho. Actually, ye dono mila ke. Theek hai, aap alag kar do. गार्ड का भी सैलरी है ना, इसीलिए मैंने 24,000 का, मतलब एक्चुअली आंसर में मेरे को शो कर रहा है कि सैलरी 24,000 का। मैं सोच रहा हूँ वही कि 24,000 क्या है, इसमें दो है सर, 24,000 के अंदर इंक्लूड किया हुआ है गार्ड का सैलरी भी है और लिफ्ट मैन का भी सैलरी, ठीक है, दोनों मिला के, गार्ड का सैलरी और लिफ्ट मैन का सैलरी मिला के 24,000। आई होप समझ में आ गया सर। और कुछ खर्चा है सर? बोलो। डेप्रिसिएशन है ना, तो एसेट का डेप्रिसिएशन भी तो होता है, तो 2,800 का डेप्रिसिएशन भी है, तो डेप्रिसिएशन 2,800 देने के बाद सर ये सबको टोटल करके आउटर में लाओ ना, कितना होता है? सारा एक्सपेंस को टोटल करो और आउटर में ला के बताओ तो मुझे, क्या 50,800 होता है? एक बार देखो ना, जरा देखिए 50,600 और इधर 50,800। सर क्या होगा, अदर सोर्स इनकम लॉस हो गया कि इनकम हुआ? हेलो, लॉस। कितने का लॉस? 200। सर 200 का नेगेटिव आया है, नेगेटिव इनकम मतलब लॉस है। चलो ये तो हो गया, अदर सोर्स इनकम भी पता कर लिए, अब क्या करना है? अब नेट इनकम ढूंढ लेते हैं कि आखिर इस बिजनेसमैन का नेट इनकम या नेट टैक्स लायबिलिटी कितना हो सकता है। तो नेट इनकम के लिए आपको उसका जो जो इनकम है उसका डेटा चाहिए, है ना? तो सर ऑलरेडी ये मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, ज्यादा फॉर्मेट में फॉलो नहीं जा रहा हूँ सर। आप एक काम कर सकते हो, एक पर्टिकुलर का लाइन बना सकते हो, ठीक है? ऐसे अगर आप ज्यादा फॉर्मेट करके करना चाहते हो तो नेट इनकम एज पर
सॉरी फॉर दी नेट इनकम फॉर दी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ऐसे लिख लो, ठीक है, फॉर दी असेसमेंट ईयर 22-23 एंड प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है, एक पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम बना लो। पर्टिकुलर में क्या क्या इनकम है सर? सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 29,600 पुराना इनकम को लेके। बिजनेस एंड प्रोफेशन सर ऑलरेडी क्वेश्चन चेक करो, 4 लाख का बिजनेस इनकम बना के बैठा हुआ है, अदर सोर्स में 200 टका लॉस खाया है, बेनिफिट मिल जाएगा। कुल मिला के जीटीआई कितना आ रहा है सर? कुल मिला के जीटीआई कितना आएगा? चार लाख 29,400। यस दिस इज द ग्रॉस टोटल इनकम। सर क्वेश्चन में 80C का एक इंफॉर्मेशन है, चैप्टर 6A के हिसाब से। ये चैप्टर हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है सर, बाद में पढ़ेंगे डिडक्शन चैप्टर। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनको शायद पता है, बट जो रिसेंट चेंजेस है मैं बाद में विद लेटेस्ट अपडेट आपको बताऊंगा। बट इतना जान लो अभी कि 80C के तहत, 80C के तहत सर जो तीन कॉन्सेप्ट 80C, 80CC, 80CCD तीनों मिला के आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक बेनिफिट मिलता है। जैसे LIC प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, इस तरह का अलग अलग आप अपना पर्सनल लाइफ में खर्चा कर सकते हो फॉर दी पर्सनल बेनिफिट। बट इसका मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही बेनिफिट है, चाहे आप सिर्फ LIC में भरो, चाहे प्रोविडेंट फंड में डालो, ठीक है, डिटेल डिस्कशंस बाद में कर लेंगे आपके साथ। बट इतना जान लो मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख है, और इन आवर गिवन एग्जाम्पल 55,000 का हुआ है, तो पूरा माइनस हो जाएगा क्या? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप फंड रखते हो तो टोटल इनकम से, ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस हो जाएगा, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। तो 4,29,400 से अगर आप 55,000 को हटा देते हो तो आपका नेट इनकम कितना हो जाता है? ये चैप्टर बाद में करेंगे सर, ठीक है, और दो हेडिंग हो जाए फिर डिडक्शन ही करवाना है, तब आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि कितना कितना डिडक्शन मिल सकता है, 80C, 80CC, 80CCD, 80D, 80DD, ठीक है, 80TTA, बहुत सारा है, 80 का बहुत लंबा लाइन है, टैक्स प्लानिंग में बहुत काम आता है, बताएंगे आपको। कितना हुआ नेट इनकम कोई मुझे बताए तो सही? 374,400। टैक्स लायबिलिटी क्या होगा इसका? सर इसका टैक्स लायबिलिटी आप ऐसे कैलकुलेट करो, ये मान के करो कि 115 DAC नहीं है, ठीक है, ऐसे पूछा नहीं है टैक्स लायबिलिटी, बट फिर भी एक बार अगर करना चाहे तो आप तो 2,50,000 तक अभी का जो रेगुलर रूल है उसके हिसाब से अप टू 2,50,000 नील, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 लाख तक जाना ही नहीं है ना, 2.5 लाख टू 374,400 एट द रेट 5% कितना होगा? 124,400 पे 5% आएगा 6,220। एक सेकेंड, मतलब 2,50,000 से 3,74,000 कितना आता है? 124,400 ये है 124,400। यस सर। इसके ऊपर 5% कितना होता है सर? 6,220 बस इतना। एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा, 2,50,000 से माइनस, सॉरी 3,74,400 गलत हो गया क्या? 3,74,400 माइनस 2,50,000 इसके ऊपर 5
बस सही है 6220। थैंक यू सर। ये होगा उसका टैक्स लायबिलिटी, लेकिन क्या ये होगा कि और भी कुछ माइनस आ जाएगा? सर रिबेट लगेगा क्योंकि इसका इनकम 3.5 लाख से कम है, सॉरी 5 लाख से कम है, और आपको रिबेट मिल जाता है 87A के तहत। ठीक है, ये डिस्कशंस मैंने इनकम टैक्स के बेसिक क्लास में ही डिस्कस करके रखा है। सरचार्ज एंड रिबेट, सरचार्ज एंड रिबेट का अगर किसी का भी बाकी है एक बार कर लो सर अभी। हाँ, सरचार्ज और रिबेट एक बार कर लो, एक बार देख लो सर, वहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होके रखा है। 87A के तहत आपको 12,500 तक का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये सरकार का मतलब बोलते हैं ना बिग बोनाजा, ये बिग बोनाजा है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट बिकॉज आप लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हो, तो 60। लेकिन क्या आपको 12,500 का मिलेगा? मतलब डू यू रियली गेट 12,500 डिडक्शन? कितना मिलेगा? 220 सर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, जो आपका टैक्स लाइबिलिटी जितना है और 12,500, 12,500, विच एवर इज लोअर। तो अल्टीमेटली आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? नील। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या निकला, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, याद रखिएगा 2,50,000 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, मतलब किसी का एनुअल इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो उसको सरकार के घर में टैक्स फाइल भी नहीं करना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है, और कोई टैक्स भी देना नहीं है। अगर किसी का इनकम करंट प्रोविजंस के हिसाब से 5 लाख तक भी जाता है ना, तो अब इतना समझ लो कि देर आर सम एक्सेप्शनल कंडीशंस, लाइक अगर आपका कैपिटल गेन हो जाता है तब आपको ये सब बेनिफिट नहीं मिलता है। ये सब मैं बताऊंगा कैपिटल गेन चैप्टर में कि अगर आपके लॉटरी इनकम कर लिया, केवीसी जीत लिया, ठीक है, तो आपको 87A का बेनिफिट हर जगह नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपका लॉटरी इनकम या कैपिटल गेन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, बट नॉर्मल वे में। ठीक है, अगर आप ज़्यादा इधर उधर का झमेला नहीं है, एक्सेप्शनल कंडीशन पर नहीं है, 5 लाख तक अगर आप इनकम करते हो तो गवर्नमेंट के घर में एक्चुअल में कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। 5 लाख क्रॉस करते आपको देना पड़ेगा सर, 5 लाख क्रॉस करते आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब करेंटली अगर आप एक सेंस लगा सकते हो कि देश के अंदर जो लोग 5 लाख एनुअल इनकम करते हैं उनको सरकार के घर में कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ता, इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये था कॉम्पोजिट रेंट का डिटेल्स एनालिसिस एंड डिस्कशंस। समझ में आया सर? क्या समझ में आ गया सर? प्रोविजंस भी देख लिया, ठीक है, और क्वेश्चंस भी कर लिए। तो इस तरह से प्रोविजंस हमेशा आपको हेल्प करता है। ठीक है, कॉम्पोजिट रेंट अगर सेपरेट नहीं किया जाता, अगर सेपरेट नहीं होता सारा बिजनेस इनकम में आ जाता, अगर सेपरेट नहीं होता तो सारा बिजनेस इनकम में आ जाता। सेपरेट हो सकता है तो हाउस प्रॉपर्टी का अलग कर दो और आईफोज और इसका अलग कर दो, आईफोज या बिजनेस जो भी है। ठीक है, सेपरेट हो सकता है तो हाउस प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट कर लो और सेल्फ ऑक्यूपाइड सॉरी अदर सोर्स और बिजनेस प्रोफेशंस में जो हो सकता है। ठीक है, बट अगर सेपरेट करना मुश्किल है तो या तो बिजनेस या तो अदर सोर्स इनकम मान के टोटल हो जाएगा। ठीक है सर, और एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा बता देते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर आपके भारत के बाहर आपका प्रॉपर्टी है और आप वहां से इनकम करते हो तो भारत में क्या होगा? बात समझ में आ रहा है सर? बात समझ में आ रहा है ना सर? तो अच्छा, यहाँ पर मैंने और एक चीज भी आपको बता देना पड़ेगा, यहाँ पर एक 25A का केस था जो मैंने लिखा था। अच्छा ठीक है, मैं 25A बता देता हूँ आपको। ठीक है, 25A यहाँ पर भी है, 25A का डिस्कशंस जो मैंने आपको अभी एक्चुअली दिखाया ना, अनरियलाइज जो जो एक्चुअली डिसअलाउ किया उसको डिसअलाउ करके आपको कैसे 4,000 का हिसाब 3,000 का हिसाब आया, तो एक्चुअली 25A के तहत होता है। ठीक है, तो ये इनएडमिसिबल डिडक्शंस सेक्शन 25। ठीक है, एंड प्रोविजंस फॉर एरियर्स ऑफ रेंट अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। ठीक है,
ये पॉइंट में एक्चुअली वो बताया के रखा है, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट व्हिच इज पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ ही टैक्स हैज नॉट बीन पेड एंड डिडक्टेड इन सच इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एजेंट। ठीक है, इसमें बाद में बात करते हैं। प्रोविजंस फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड एंड रिसीव सब्सिक्वेंटली सेक्शन 25A। ठीक है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, एज पर सेक्शन 25A सबसेक्शन 1 द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एरियर्स, अगर पुराना रेंट बाद में मिलता है, अगर पुराना रेंट बाद में मिलता है मतलब अनरियलाइज्ड फ्रॉम अ टेनेंट, और द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम अ टेनेंट बाय एन एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर इन सच इन विच सच रेंट इज रिसीव्ड और रियलाइज्ड। मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे हम लोग अभी एक क्वेश्चन किए 10-11 का रेंट, 10-11 का अनरियलाइज 21-22 में मिला है तो उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इनकम ऑफ मतलब उसको डिम्ड इनकम मान लिया जाएगा, 10-11 का इनकम, 21-22 का इनकम मान लिया जाएगा जिस साल एक्चुअली आप रियलाइज करोगे। ठीक है, बड़ा सिंपल बात है। अब इसमें क्या बताते हैं सर, एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट इन दैट फाइनेंशियल ईयर। हो सकता है कि 10-11 में आप किसी प्रॉपर्टी का ओनर थे बट 21-22 में आप उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो, बट क्योंकि आपने 21-22 में आपका 10-11 का प्रॉपर्टी का अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव किया, तो गवर्नमेंट क्या मानता है कि अगर बाद में आप अपना प्रॉपर्टी ओनरशिप छोड़ भी दिया तो भी आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये बड़ा सिंपल लॉजिक है ना। 10-11 में आपका था, रियलाइज भी आप ही किया, 10-11 में प्रॉपर्टी आपका था और 21-22 में प्रॉपर्टी का जो रियलाइजेशन है, जो अनरियलाइज आपको मिला है, आपको ही मिला, न्यू ओनर को नहीं मिला, तो फिर आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगा। सेक्शन 25A सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स द डिडक्शंस ऑफ 30% ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड एंड रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली बाय द एसएससी। ठीक है, और समरी में ये बता, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि अगर पुराना रेंट बाद में मिलता है, ठीक है, तो उसमें डिडक्शन भी अवेलेबल होता है। ये चीज मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता के रखा है, ठीक है, किसी दूसरा एक लेक्चर्स में भी मैंने 25A को बता के रखा। एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोग जो किया कुछ देर पहले, जो क्वेश्चंस किया कि पुराना रेंट को अभी के हिसाब से टैक्सेबल किया ना, ठीक है, गवर्नमेंट ने जितना हमें अलाउ किया उसके हिसाब से जो कुछ भी हुआ है 25A के तहत। ठीक है सर, ये बात का ध्यान रखिएगा। और ये मिस्टर गौरव का क्वेश्चंस मैंने पहले भी बता के रखा था कि किसी का पुराना रेंट है, एक बार मैं बोला था कि गौरव का क्वेश्चंस पढ़ कर दिया था। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 2022। चलो देख लेते, एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर आनंद ने अपना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मार्च 2022 को सेल कर दिया। ठीक है, इन जून 2022 ही रिकवर्ड रेंट फॉर 10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव। इन जून 2022 ही रिकवर्ड ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव टू हुम ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर 2 years फ्रॉम अप्रैल 2016 से लेकर 2018। जो घर उसने 22 में बेच दिया, उसी घर का एक पुराना रेंट 10,000 का, जिस घर का रेंट 16 से 18 के बीच में दे दिया था किसी को, वो 10,000 अभी मिला है। He could not realize 2 months rent of 20,000 from him, and that to that extent his actual rent was reduced while computing income from house property assessment at 2018-19. Further, he had let out his property from April 2018 to February 2022 to Mr. Satish. In April 2020, he had increased the rent from 12,000 to 15,000 per month. And the same was a subject matter of dispute in September 2022. The matter was finally settled and Mr. Anand received 69,000 as arrears of rent for the period of April 2020 to February 2022. Would the recovery of unrealized rent and arrears of rent be taxable in the hands of Mr. Anand? And if so, in which year? Matlab actually, hum logon ne jo ek question kiya tha na kuch der pehle, ठीक है, वैसा ही, मतलब पुराना रेंट आपको अभी मिलता है तो क्या वो टैक्सेबल होगा आपके हाथ में? अगर पुराना रेंट आपको मिलता है तो क्या वो टैक्सेबल होगा आपके हाथ में? दैट्स द क्वेश्चन। यस होगा, 25 है ना, यस yes, बिल्कुल होगा, 25A के तहत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन इलस्ट्रेशन 10 ही आपको समझा देता है, बहुत सिंपल है सर। थोड़ा सा हमें क्या देखना है, थोड़ा हमें प्रोविजंस याद रखनी, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग काफी टफ टफ क्वेश्चन किए हैं। Since the unrealized rent was recovered in previous year 22-23, पुराना रेंट रिकवर कब हुआ है? 22-23 में, ठीक है, as per this question, the same would be taxable in assessment year 23-24. तो मतलब previous year 22-23 का tax कब भरोगे? Assessment year 23-24 में। Section क्या रहेगा? 25A।
under section 25 irrespective of the fact that Mr. Anand was not the owner, matlab farak nahi padta ki us time pe Mr. Anand owner hai ya nahi, theek hai. Further, the arrears of rent was also received in previous year 22-23 and hence the same would be taxable in the assessment year 23-24 under section 25A, even though Mr. Anand was not the owner of the house in that year. A deductions of 30% of the unrealized rent recovered and arrears of rent would be allowed, yes, while computing income from house property of the Mr. Anand in assessment year 23-24. Calculation kaise hoga? Simple calculation hai sir, zyada dimag lagana hi nahi hai. Aapko unrealized kitna hua? 10,000, theek hai. और एरियर ऑफ रेंट कितना है? 69,000 का. तो अनरियलाइज्ड और एरियर, ठीक है, दोनों मिला के आपका हो जाता है 79,000. इस दोनों के ऊपर आपको 30% का डिडक्शन लग जाएगा तो आपको 23,700 का बेनिफिट मिलेगा. मतलब बेसिकली डिडक्शन हो गया मतलब बेनिफिट, तो अल्टीमेटली आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा 55,300. मतलब ये जो एक्चुअली हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं सर, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने किया था कुछ उसी तरह का, पहले से ही हमें बता दिया कि भाई कितना अनरियलाइज्ड अलाउ करेगा डिसअलाउ करेगा, वो पहले से प्रीवियसली कैलकुलेटेड है, ठीक है, हम लोग बस उसको अप्लाई किए. बट यहाँ पर आप डिडक्शंस ले सकते हो. अगर आपका कोई पुराना इनकम अनरियलाइज्ड या एरियर अगर आपको बाद में मिलता है तो जो भी बाद में मिलेगा उसी साल में उसका टैक्सेबल तो होगा, बट हाँ आप डिडक्शन जरूर ले सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शंस 30% का. बस इस बात का स्पेशल ख्याल रखिएगा, ठीक है, इस बात का स्पेशल ख्याल रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं. आपका हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा 55,300. ओके सर, समझ में आया रे सबको? बोलो. हाँ सर. ठीक है, ओके सर. ऐसा ही डिफरेंट क्वेश्चन आता रहता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा सा घुमा के भी इधर उधर देगा ना, आप जरूर जवाब दे पाओगे. इसीलिए बार बार बोलता हूँ सर, हाउस प्रॉपर्टी में ना कुछ क्रिटिक, मतलब एक्चुअली इनकम टैक्स ना कोई कभी भी टफ नहीं होता. लोगों को टफ लगता है बिकॉज ऑफ प्रोविजंस क्लियरली पढ़ता नहीं. अगर आप क्लियरली प्रोविजंस नहीं पढ़ोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा. अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इन केस ऑफ ए रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है. अच्छा, इसके लिए एक बात कहें सर, एक चैप्टर आता है रेसिडेंशियल स्टेटस. जिन लोगों को मैंने टैक्स का क्लास शेयर कर दिया, जिनको रिवाइज करना है वो रिवाइज करें, और जिन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं पढ़ा, बेसिक का पार्ट है, बेसिक्स के बाद ही मैंने रेजिडेंशियल पढ़ाया. अगर किसी का रेजिडेंशियल स्क्रीन शेयर नहीं है, ऐसा कैसे? किसी को भी मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, और फिर से संपत का कुछ प्रॉब्लम होगा, संपत का या नेटवर्क डिस्टर्ब होता है. আমার দুজনকে দেখাচ্ছি আপনাকে बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार ना बेसिक के बाद ही रेसिडेंशियल स्टेटस का एरिया एक बार कवर कर लीजिएगा. बहुत वाइटल टॉपिक है सर रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है. सो इसको कभी हल्का से नहीं लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस, एक बार कर लीजिएगा. अभी इनका लाइव नहीं हुआ है, मैं बाद में फिर से लाइव करवाऊंगा रेसिडेंशियल स्टेटस. लेकिन करेंटली हाउस प्रॉपर्टी में इसका क्या खेल है एक बार देख लेते हैं. इन केस ऑफ ए रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ईच, एक्चुअली रेसिडेंट तीन तरह का होता है सर. रेसिडेंशियल स्टेटस तीन तरह का रेसिडेंट के बारे में बात करता है. थैंक यू सर. आरओआर, आर नॉर एंड एनआर, जो कंडीशन है सारा कंडीशन फुलफिल करता है 182 डेज वाला. क्लास एक बार देखिए. हाँ, एकदम सच्चा हिंदुस्तानी. ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, ठीक है. कभी कभी ऐसा भी होता है सर, सच्चा हिंदुस्तानी के कॉन्सेप्ट में
कि कभी कभी बाहर का लोग भी भारत का आरओआर बन जाता है, ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर गया तो जो बेसिकली इंडिया का रेसिडेंट है, और ऐसे भी रेसिडेंट है वैसे भी रेसिडेंट है, उसको भारत, वो दुनिया में कहीं भी इनकम करे उसको भारत में टैक्स देना पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, अगर आप आरओआर हो, आप भारत से कमाओ भारत में तो टैक्स देना ही है, अगर आप भारत के बाहर से भी कमाओगे तो भी भारत में टैक्स देना है। अगर आप आर नॉर हो, मतलब रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ऐसे तो आप रेसिडेंट हो बट हमेशा नहीं रहते, ठीक है, तो आप नॉर्मली भारत के साथ जुड़ा हुआ कोई भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। बट अगर आपको फॉरेन से कोई इनकम है, अगर उसके साथ भारत का कोई कनेक्शन नहीं है और आपकी भी, आपका भी करंट कनेक्शन इंडिया के साथ नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपको भारत में टैक्स देना पड़े। और नॉन रेसिडेंट का भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर भारत के साथ कोई कनेक्शन है, लाइक भारत में इनकम एक्रू हो रहा है, ड्यू हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, डीम्ड टू एक्रू हो रहा है, डीम्ड टू रिसीव हो रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, भारत में एक्रू, भारत में रिसीव्ड, भारत में डीम्ड टू एक्रू, भारत में डीम्ड टू रिसीव्ड, ये सब डिस्कशंस रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर किया गया है सर। नॉन रेसिडेंट नॉर्मली भारत में टैक्स नहीं देता, लेकिन अगर इनकम भारत में बनता है, इसको मैं एक बहुत एक गाने से याद दिलाता हूँ, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती, मतलब भारत से अगर इनकम का जनरेशन होता है ना, चाहे ड्यू हो, एक्रू हो, रिसीव्ड हो, डीम टू रिसीव्ड हो, डीम टू रिसीवेबल हो, तो भारत में टैक्स देना सबको पड़ता है। हाँ बोलो सर। लेकिन ये जो मैं डिस्कस अभी कर रहा हूँ, ये रेसिडेंशियल स्टेटस का डिस्कशन है, मैं ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं बात करूंगा, बट इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी का फॉरेन में हाउस प्रॉपर्टी है और अगर वो आरओआर है, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, आरओआर, ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, ठीक है, उसका वो इनकम, मतलब अगर मानो आप आरओआर हो और आपका लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, ऐसे भारत का बहुत सारे लोग हैं ना लंदन में प्रॉपर्टी, जानते हो सर, लंदन में प्रॉपर्टी का ना एक पुराना कहानी है, और वो लोग इतना दिन था ना, तो हम लोग भी उनके वहां पर जाके थोड़ा घर वगैरह खरीद लिए सर। दैट्स द डिफरेंट पार्ट। अगर आप लंदन में हो या यूएस में हो, अगर आपके लंदन से प्रॉपर्टी से आपको इनकम होता है, ठीक है, आपको रेंट मिलता है, और अगर आप आरओआर हो तो आपको भारत में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब लंदन के इनकम में भी भारत में टैक्स देना पड़ेगा सर। ये तो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि लंदन गवर्नमेंट भी तो टैक्स लेगा। हाँ लेगा लेगा, आप भी तो अल्ट्रा रिच हो। हाँ, एक एक इंसान का लंदन में भी प्रॉपर्टी है, इंडिया में भी प्रॉपर्टी है, तो वो अल्ट्रा रिच होता है सर, है ना, सुपर रिच होता है, तभी उसका ऐसा प्रॉपर्टी हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सो वेदर सच इनकम इज ब्रॉट इन टू इंडिया और नॉट, मतलब लंदन का इनकम आप इंडिया में लाओ या ना लाओ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप आरओआर हो तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर आप आर नॉर होते तो वो कंडीशन देखना पड़ता, अगर आप नॉन रेसिडेंट होते तो भी कंडीशन देखना पड़ता, ठीक है, अदरवाइज आरओआर को हमेशा देना पड़ता है भारत में टैक्स, ठीक है सर, याद रखिएगा। सर, अगर कोई जॉब करने के लिए बाहर गया, मतलब वो एनआर, मतलब नॉन रेसिडेंट है, मतलब जो 2 साल या 4 साल से आया नहीं है, और वो इनकम कर रहा है, अपने फैमिली को भेज रहा है, तो फिर उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। सर वो देखना पड़ेगा सर कि अगर कोई फैमिली में इनकम रिमिट कर रहा है, ठीक है, तो अगर फैमिली इनकम में रिमिट कर रहा है और वो इंडिया में आता है कि नहीं आता है, कितना दिन रहता है। नहीं, मतलब 2 साल से आ ही नहीं रहा है, और उसका मतलब अपने फैमिली को भेज रहा है, फैमिली में कोई इनकम नहीं करता है, सिर्फ उसी के मतलब नहीं, तब 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 पैसे उसको से। भारत में टैक्स नहीं पड़ता, रेमिटेंस में टैक्स नहीं लगता सर, ठीक है, रेमिटेंस में टैक्स नहीं लगता, ठीक है, और अगर वो भारत में नहीं आ रहा है तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो भारत में रह के उस इनकम को रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो भारत में रह के उस इनकम को रिसीव कर रहा है, ठीक है, उनके हाथ पे हो सकता है कि आपको इनकम कहाँ से मिले, आपको इनकम कहाँ से मिला, अगर वो टैक्सेबल इनकम में जा रहे हैं तो फिर उसके हाथ में हो सकता है, जो इनकम रेमिट कर रहे थे उसके हाथ में ना हो, बट अगर फॉरेन से भी आपको कोई इनकम रिसीव हो रहा है तो आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से कमाते हो, अगर वो रेमिटेंस है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सर, ठीक है, कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, मैं ये रेसिडेंशियल स्टेटस में फिर से इसके ऊपर बात करूंगा सर, ठीक है। इन केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, अगर इनकम इंडिया में रिसीव होता है तो फिर भारत में टैक्स हो जाएगा, रेमिटेंस में नहीं होता है, ठीक है, रिसीव में हो जाता है, मानो कि डायरेक्टली वो भारत में ही इनकम रिसीव हो रहा है, सेकेंड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड रिसीव, ठीक है, तो फर्स्ट हैंड रिसीव अगर भारत में ही हो रहा है तो फिर भारत में टैक्स हो जाएगा, चाहे आप नॉन रेसिडेंट भी हो चाहे आप
कोई आर नॉर हो, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो तो भी टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन थोड़ा याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो सर, क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो फिर। टेक्स एन अमेरिकन नेशनल इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, अमेरिकन नेशनल्स है, भारत का रेसिडेंट है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23। एंडिंग ऑन मार्च 31st 2023, ठीक है सर। आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं, आवाज है मेरा? हाँ ठीक है। ही वाज ओनर ऑफ ए बिल्डिंग located in New York. The same was on rent at the rate US dollar $12,500 per month. Municipal tax, municipal tax on such building was paid of US dollar 10,000 on February 12, 2023. Besides the above property, he purchased piece of land at Delhi, at Delhi, for construction of a house. He said land said land was given on rent. Said land was given on rent for running of dairy farm. At the rate 3,000 per month with effect from 1st October 2022.
वैल्यू ऑफ वन यूएस डॉलर इक्वल्स टू 75 इंडियन रुपी. Yes, that is the question, sir. क्या आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे सर? क्या सभी ने लिख लिया ये अमेरिका नेशनल वाला क्वेश्चन? सर इस प्रॉपर्टी का जीएबी क्या होगा, गवर्नमेंट के घर में कितना टैक्स होगा, भारत में टैक्स होगा कि नहीं होगा, ये इनका इनकम क्या होगा? पहले तो मुझे ये बताओ क्या भारत में टैक्स होगा, क्या इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा सर? अमेरिकी में घर है सर, देना होगा. इंडिया में देना होगा क्यों? क्योंकि मतलब बीवाई 22-23 में रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा है जो है सर, वो एक्चुअली प्रीवियस ईयर में भारत का ही रेसिडेंट है, मतलब वो आरओआर है, है ना, वो आरओआर है उसका यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में, ये रहा न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, ये न्यूयॉर्क सिटी में उसका घर है, देख रहे हो सर न्यूयॉर्क सिटी. This is the size of New York City. New York City में घर है. अब आप मुझे इतना बताओ कि क्या उसका इंडिया में क्या हिसाब किताब होगा, बोलो. कोई मुझे बताएगा कि नहीं? चलो सर मैं ही करता हूँ. सर जीएबी के लिए क्या करें, एक काम करें सर, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर द previous year 22-23, ठीक है, जीएबी क्या हो जाएगा बताओ, कैसे निकालोगे? कुछ तो इंफॉर्मेशन है नहीं, तो जितना मिल रहा है वही जीएबी है ना, 12,500 डॉलर, तो 12,500 इंटू 75 9,37,500 इंटू 12 यही हो जाएगा ना, कितना 12,500 इंटू 75 इंटू 1,12,50,000. वेरी गुड सर, ये पूरा साल का ना, 1,12,50,000 है ना, 12,500 डॉलर भारत के हिसाब से 75% करके हैं, मैं एवरेज मान लिया 79 समथिंग चल रहा है, तो 12 पूरा 12 महीने का 1,12,50,000 का जीएबी होता है. म्यूनिसिपल टैक्स कितना भरा आपने? तो आप क्या करोगे, 75 इंटू 10,000 7,500,000 है ना, साढ़े सात लाख का टैक्स भरा आपने, इन्हें भी कितना हो जाएगा, 1,00,00,000 से 7,500,000 को माइनस करो, 1,05,00,000 1,05,00,000 इन्हें भी हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा,
जो रूल है वो तो मिलेगा एट द रेट 30%, कितना हो जाएगा? एक करोड़ पांच लाख पे 30% निकालो, 31,50,000 माइनस करके बताओ, लोन तो कुछ है नहीं, 7,00,000 7,00,000 क्यों सर? 73,50,000 ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना घर पे, ठीक है? अच्छा और भी इनकम है सर, और भी इनकम है, अदर सोर्स में भी इनकम किया ना। अरे वो जो दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदा, दिल्ली में वैकेंट लैंड खरीद के डेयरी को दे दिया भाड़े पे, है ना? तो उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना हो जाएगा? रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, वैकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी नहीं है सर। 3,000 करके कितना महीने का भाड़ा है? अक्टूबर 1 से 6 महीने का, अक्टूबर 1 से है, अक्टूबर से 31 मार्च, 3,000 × 6 18,000, ज्यादा नहीं हुआ है तो 73,50,000 और 18,000 कितना हो जाएगा? 73,68,000 ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स मिला के होमवर्क रहेगा सर, 73,68,000 का टैक्स लायबिलिटी, इसको सरचार्ज दिया। थैंक यू सर। जिन लोग बेसिक का क्लास नहीं किए हो अभी तक, बेसिक एक बार कर लो, ये नॉर्मल में नहीं होगा, ये सरचार्ज में आ जाएगा, बिकॉज ये रिच कैटेगरी लोगों का इनकम है। 50,00,000 के ऊपर अगर किसी का टोटल इनकम है सालाना, तो उसका एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है, सरचार्ज भी लगता है, और सरचार्ज के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। लेकिन बिफोर दैट बेसिक का क्लास एक बार कर लीजिएगा अगर किसी ने पहले नहीं किया है तो, ठीक है? तो ये कल के क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या लायबिलिटी आया है, और इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर दूंगा और न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड मेन सारा टॉपिक मैंने कवर कर लिया सर, ठीक है? और हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों में प्रोवाइड करूंगा, जिसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर बाद में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशंस या कैपिटल गेन में से कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है? सर इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बता दें? कल बताते हैं ना, कल बताएंगे, कल सॉल्व करके देंगे। यस ठीक है, कल सॉल्व करके, ठीक है सर? चलो आज इतना ही है। ओके सर, बाय सर, ओके सर, टाटा, बाय सर, बाय सर, बाय सर।